फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गो ग्रीन विद मी में। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सब हम बाहर से अब कुछ खरीद नहीं सकते, तो हम जो प्लांट्स के शौकीन लोग हैं उनकी प्लांट्स की शॉपिंग भी बंद है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज उस लिस्ट में सबसे पहला प्लांट, सबसे इजी टू ग्रो, इजी टू केयर, वो है हमारा मनी प्लांट। ये देखिए, जो आप ये मनी प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा सिर्फ इकलौता प्लांट है जो कि मैं नर्सरी से लेके आई थी। उसके बाद मैंने इसी को मल्टीप्लाई किया है और आज मेरे घर में बहुत सारे मनी प्लांट पॉटल्स में, छोटे पॉट्स में, बड़े पॉट में मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक रैक है जो मेरे छोटे बेटे की अलमीरा थी जिसमें उसके कपड़े रहते थे। अब इसका मैंने कवर हटा दिया और इसको भी एक प्लांटर का स्टैंड बना दिया है। इसमें आप देखिए, ये देखिए, मैंने ये जो नवरात्रा में हमारी जो होती है कलश जो होता है उसमें मनी प्लांट ग्रो किया है। उसके अलावा मैंने ये देखिए कलश में है, ये आप पॉट में देख सकते हैं, ये एक नीचे देखिए, ये जो है ये एक पॉट है इसमें लगाया, जो कि ये देखिए यहाँ से, और इसकी फिर ब्रांचिंग भी स्टार्ट हो गई। ये देखिए, मनी प्लांट को ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे समझ में आया है, वो भी मेरे एक्सपेरिमेंट से, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इनकी कटिंग्स लेती हूँ और बॉटल में ग्रो करती हूँ। तो बॉटल में अराउंड 15 डेज में ये आपको रूट्स दिखाने लग जाता है, तो आपको रूट्स दिखने लगेंगी। ये देखिए, जो आप देख रहे हैं, ये भी मैंने पहले इसको बॉटल में ग्रो किया, उसके बाद मैं इसको सॉइल में ट्रांसफ़र करती हूँ और फिर ये इसमें अच्छे से ग्रो होता है, क्योंकि बॉटल में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं पाती है। मैं दिखाती हूँ आपको, एक बॉटल का भी मैं प्लांट दिखाऊंगी आपको। इनकी रिपॉटिंग कर देती हूँ, उसके बाद ये अब देखिए, इन सब की कटिंग बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सीज़न गर्मी कम हो जाए उसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो मनी प्लांट की जो सॉइल होती है उसके लिए हमें कंपोस्ट जो होता है 50% कंपोस्ट और 50% अपनी जो गार्डन सॉइल होती है उसको लेते हैं, दोनों को मिक्स करके, और आप बस उसको पॉट कर दीजिए। उसके बाद ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता और ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की भी वो ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये देखिए छोटा सा एक पॉट है, इसमें मैंने इसे रखा हुआ है और बहुत अच्छे से ब्रांचिंग भी हो रही है। अगर मैं इनके जो एंड्स हैं इनको मैं अगर इनको कट कर दूंगी यहाँ से, और मैं करूँगी क्योंकि जो बॉटल्स मैंने खाली की हैं जिनको मैंने सॉइल में ट्रांसफ़र कर दिया वो खाली हैं अभी। तो ये देखिए, ये सब फिर अच्छे से ग्रो करते हैं। इसकी मिट्टी के लिए ये देखिए, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने बॉटल से रिसेंटली, अभी मुझे शायद 15 डेज या 20 डेज हुए हैं इनको ट्रांसफ़र करे हुए, तो मैंने बॉटल से पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये देखिए, अभी ये छोटी छोटी, क्योंकि बॉटल में इतनी रूट्स होती हैं इसलिए इनकी जो लीफ है ये छोटी छोटी आती है, कुछ येलो भी होने लगी थी क्योंकि बॉटल में इनको इतना ग्रो करने को सिर्फ एक वाटर होता है, जो कि ज़्यादा रूट्स होने की वजह से या ज़्यादा लीफ आने की वजह से फिर वो सबको इतने वो नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो अब देखिए, जो नई जो आई है इसकी लीफ, ये बहुत ग्रीन है, लेकिन जो ये थी जो मैंने बॉटल से जब ट्रांसफ़र किया तो ये येलो येलो सी हो गई है थोड़ी। तो देखिए, ये छोटे छोटे जो हैं ये मैंने अभी रिसेंटली ही इनको ट्रांसफ़र किया, और जो बड़े हो चुके हैं मेरे वो, उनमें एक ये है, ये देखिए बड़े में, ये देखिए इसको मुझे अभी मैंने लगाया नहीं है कहीं पर, ये ग्रो कर रहा है बहुत अच्छे से। ये देखिए, तो इसको बुशी करना हो तो आप इसकी कटिंग करते रहिए। ये देखिए, अब आप देखिए ये मनी प्लांट, जो कि बॉटल, अभी मुझे पेंट करने का टाइम नहीं मिला है इन बॉटल्स में। ये देखिए, ये बॉटल्स को मैंने हैंग कर दिया, तो ये हैंगिंग के लिए बेस्ट है, यहाँ पे ये ग्रो करता जाएगा
और जब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मैं इसे निकाल के एक अच्छे से पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी, और यहाँ जो मेरी बॉटल में जब रूट्स डेवलप हो जाएंगी तब मैं उसको फिर से इन बॉटल्स में लगा दूंगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बॉटल्स वाले मनी प्लांट भी दिखाऊंगी, ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी रूट्स देखिए, ये जो छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं इसमें से, ये अभी का लगाया मनी प्लांट है। ये छोटी सी बॉटल है उसमें मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है। ये है, ये है, ये देखिए। तो ये ऐसे जब इसमें रूट्स बनने लगती हैं उसके बाद एक स्टेज के बाद, ये अभी देखिए कितना ग्रीन है क्योंकि अभी इसमें नई नई रूट्स निकली हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लीफ भी नहीं है कि इसको ग्रो करने में परेशानी हो, इसलिए ये ग्रीन है। अब देखिए ये वाला मनी प्लांट, ये देखिए इसको काफ़ी टाइम हो गया ग्रो करते हुए, और अब देखिए इसकी रूट्स देखिए, ये देखिए। तो इसमें क्या होता है, अब ये इतनी ज़्यादा रूट्स हो गई हैं कि सिर्फ इस वाटर में इसको इतने मिनरल्स या जो न्यूट्रिशन जो इसको चाहिए प्लांट को बढ़ने के लिए वो इतना नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से ये आप लीफ देख रहे हैं, ये हल्की सी येलोइश होने लगती है, ये देखिए। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि जैसे ही थोड़ा सा आपका प्लांट बड़ा हो, अब मैं इस प्लांट को, ऐसे कई प्लांट्स को जो मैंने आपको अभी वीडियो में पहले दिखाए थे, ऐसे कई प्लांट्स को मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ पॉट्स में, और इसे भी मैं शिफ्ट करूँगी, और इसमें मैं एक नई जिसकी कटिंग करूँगी। जैसे कि ये मेरा प्लांट है, ये बहुत यहाँ से देखिए, ये इसकी ब्रांच बहुत लंबी होती जा रही है, तो ये फिर जो इसकी सारी जो प्लांट की एनर्जी है वो इसको लॉन्गर साइड में ग्रो करने में लग जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जब हम कट कर देंगे तो इसकी ब्रांचिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो मेरे लिए दो काम हो जाएंगे, फिर से एक न्यू कटिंग मुझे मिल जाएगी मेरी बॉटल के लिए, और ये जो प्लांट है ये भी हमारा बुशी होने लगेगा, यहाँ से इसकी ग्रोथ निकलने लगेगी, तो ये बाकी और प्लांट जैसा हो जाएगा। जैसा कि ये आप देखिए, ये देखिए, ये जो प्लांट है ये देखिए इस तरह से होने लग जाएगा। सनलाइट की बात करें तो इनको डायरेक्ट सनलाइट तो मनी प्लांट को चाहिए ही नहीं, लेकिन ब्राइट सनलाइट की इसको ज़रूरत होती है। तो अगर आपने पौधे इंडोर रखे हैं तो आप इंडोर रखिए बेशक, बट उनको हफ्ते भर में या फिर 15 दिन में एक बार उनको 2-3 दिन के लिए बाहर निकाल के रखिए, और वो भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, थोड़ा सा शेड में रखिए जहाँ पर धूप आती है लेकिन डायरेक्ट ना आए। तो फिर आपका मनी प्लांट, और कुछ और जो लोग हैं जिनका ये लगता है कि कुछ और, अब जैसे यहाँ पे इनकी लीफ है, इस पर आप एलोवेरा जेल पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे और इनमें शाइन आती है, इनको कुछ न्यूट्रिशन भी मिलता है उससे, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो अगर आपको मनी प्लांट के बारे में ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए कॉमेंट बॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अपने सजेशंस हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।